Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss some more topics of homeostasis like skin, urinary system of human, structure and function of kidney. Like other complex animals, humans have highly developed system for homeostasis. These are the following organs which can work for homeostasis in human, like lungs, skin and kidney. अब lungs क्या करता है कि ये waste substance जो कि carbon dioxide है उसको remove करेगा हमारे blood में से with the help of respiratory system. And skin will maintain body temperature and it can also remove excess water and salts in the form of sweat. Or kidney can filter excess water, salts, urea, uric acid to form urine from the blood. क्योंकि ये blood को filter करके blood में से जो भी waste substances हैं urea, uric acid, salt, water उनको remove कर देता है और उसको urine बना के urine को फिर body से remove कर देता है. तो ये तीन major organs हैं जो कि homeostasis में important role play कर रहे हैं in case of humans. But here we can see that how skin works in homeostasis. Skin ke andar do major parts hote hain, as you are well aware that outer is known as epidermis which is without blood vessels, jahan pe blood vessels nahi hote. क्योंकि आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हमारे स्किन का जो बाहर का जो लेयर होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते. क्योंकि जब आप स्किन को किसी नीडल से भी अगर आप उसको प्रिक करते हैं तो वहाँ पे आउटर लेयर को प्रिक करने से कोई ब्लड जो है वो नहीं निकलती. एंड इनर लेयर में क्या होता है कि इनर लेयर इज नोन एज डर्मिस विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स. अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी होती हैं जहाँ पे पेन फील होता है एंड स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं. इट आल्सो कंटेन हेयर्स एंड फैट सेल्स भी होते हैं वहाँ पे. स्किन परफॉर्म्स इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी की टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है. कैसे रेगुलेट करता है कि द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन डर्मिस इंसुलेट्स द बॉडी. क्योंकि डर्मिस के अंदर फैट्स की पूरी लेयर बनी होती है जो कि इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहा है, जो कि बाहर से ही अंदर से हीट को बाहर नहीं छोड़ रहा और बाहर से हीट को अंदर बॉडी के अंदर नहीं छोड़ रहा. तो दैट मींस कि ये इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे डर्मिस के अंदर जो स्मॉल मसल्स हैं जिनके साथ हेयर्स भी अटैच हैं तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये गूस बम्प्स बनाते हैं. आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हमें ठंड लगती है तो हमारे स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं वो ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में, इस तरह की पोजीशन आपने ऑब्जर्व किया होगा जिसको हम गूस बम्प्स कहते हैं. ये बनता क्यों है? क्योंकि ये जो डर्मिस के अंदर जो मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो हेयर्स के साथ मिलके ये वार्म एयर का एक ब्लैंकेट बना रहे हैं. This goosebump actually creates an insulating blanket of warm air जो हमारे बॉडी को जो है वो कवर कर रहा है, हमारे बॉडी को वार्म एयर से कवर कर रहा है. And the urinary system of human. Here in this diagram you can see that the excretory system is also known as urinary system जो कि waste substances को remove करता है. It consists of pair of kidneys, pair of ureter, urinary bladder and urethra. Here you can see in this diagram that these are the pair of kidneys और यहाँ से जो tube निकलती है that is known as ureter. दो ureters निकलेंगे यहाँ से, they will combine and open into a sac-like structure known as urinary bladder. And kidney filter blood to produce urine, जहाँ से ये urine जो है वो urinary bladder के through यहाँ से निकल के urinary bladder में आता है. Urinary bladder में ये temporary तौर पे urine store होती है and then it will remove from the body with the help of urethra. इस urethra जो है इसके through
यूरिन फिर ओपन हो जाती है बॉडी से बाहर की तरफ। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी? हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप ऑर्गन्स। आपने अक्सर देखा होगा। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड कहते हैं एंड 4 सेंटीमीटर थिक, एंड इट इज अबाउट 120 ग्राम कहा जाता है। एंड दे आर लोकेटेड इन बेक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डाइफाम। डाइफाम का आपको आइडिया है कि डाइफाम के नीचे एंड वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमारे जो बेक बोन होते हैं उनके दोनों साइड पे दो किडनीज मौजूद होते हैं एंड दे आर जस्ट प्रोटेक्टेड बाई 2 रिब्स। और दो रिब्स भी वहाँ पे किडनी वाली साइड पे दो रिब्स भी आ जाते हैं और दो रिब्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन देट ऑफ राइट। ये कहा जाता है, इस डायग्राम में आप देख लें कि लेफ्ट किडनी स्लाइटली हायर पोजीशन पे है एज कम्पेयर टू, ये थोड़ा सा नीचे है देखें इसके कंपेरेटिवली। लेफ्ट किडनी इज एट हायर पोजिशन देन देट ऑफ राइट। एंड दिस किडनी हैज कंकेव शेप एट इनर साइड। ये वाला इनर साइड है यहाँ पे, ये कंकेव शेप है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है। ये बाहर की तरफ उभरा हुआ जो हिस्सा होता है इसको हम कन्वेक्स कहते हैं। दिस इज कन्वेक्स शेप और दिस इज कंकेव शेप। हियर इट फॉर्म्स ए डिप्रेशन। इस डिप्रेशन को हम हाइलस कहते हैं, हाइलस। इस वाली, ये वाली जो सेंटर वाली जो रीजन है, ये जो अंदर की तरफ डिप्रेशन ये बनाता है इसको हम हाइलस कहते हैं। आप इस हाइलस वाली जो रीजन है ये वो वाली रीजन है जहां पे यूरेटर भी इंटर होता है और रिनल आर्टरी और वेन्स भी इंटर होते हैं। तो इस वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं, जहां पे डिफरेंट ब्लड वेसल्स और यूरेटर इंटर होता है। अब अगर हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करें, साइड से अगर हम इसको दो हिस्सों में काटें तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये वाले पार्ट्स जो है ये एक्सपोज हो जाएंगे। द आउटर पार्ट जो है किडनी का वो डार्क रेड होता है जिसको हम रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। दिस इज आउटर रीजन विच इज डार्क रेड इन कलर। और जबकि इनर जो रीजन होता है दैट इज पेल रेड इन कलर विच इज नोन एज रीनल मेडिवला। इनर पार्ट इज नोन एज रीनल मेडिवला एंड आउटर पार्ट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। इनर पार्ट जो मेडिवला है दैट कंटेन ए कोन शेप स्ट्रक्चर नोन एज पायरामिड्स। दीज आर द पायरामिड्स। हियर यू कैन सी दैट दीज आर ऑल दीज आर सेवरल कोन शेप स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज रीनल पायरामिड्स। एंड दीज रीनल पायरामिड्स आर प्रोजेक्ट इन टू फनल शेप स्ट्रक्चर। ये कहाँ ओपन हो रहे हैं, ये थोड़ा सा आगे जाके फनल शेप स्ट्रक्चर में ओपन हो रहे हैं विच इज नोन एज पेल्विस। दिस रीजन इज नोन एज पेल्विस। दीज स्ट्रक्चर्स और कोन शेप स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स पेल्विस के अंदर ओपन हो रहे हैं। And what is nephron? Nephron is a structural or functional unit of kidney, जिसको हम nephron कहते हैं। And there are over 1 million nephrons are present in each kidney. हर kidney में कहते हैं 1 million के करीब nephrons होते हैं। और इस nephron का हम structure और function देख लेंगे कि this nephron has 2 major parts, renal corpuscle and renal tubule. This region is known as renal corpuscle. बाकी का जो tubular हिस्सा होता है उसको हम renal tubule कहते हैं। I am repeating again. Nephron consists of 2 major parts, renal corpuscle and renal tubule. This first part is known as renal corpuscle. ये वाला region सिर्फ renal corpuscle कहलाता है। बाकी जहाँ पे आपको tubular structure नजर आ रहा है that is known as renal tubule. इसको हम renal tubule कहते हैं। And this renal corpuscle is further divided into 2 major parts, glomerulus and Bowman's capsule. देखें, this is glomerulus, which is network of capillaries.
ये जो आपको रेड कलर नजर आ रहा है, दिस इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस, और उसके सराउंडिंग में एक कप शेप स्ट्रक्चर है। देखें ये ट्यूब है, इसने कवर किया हुआ है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज बाउमेन्स कैप्सूल। क्योंकि ये बाउमेन ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, उस बेस पे हम इसको कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को सराउंड कर रहा है, ये आगे फिर ट्यूब्स बना रहा है, दिस इज नोन एज बाउमेन्स कैप्सूल। अब जो दूसरा रीनल ट्यूबुलर पार्ट है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि रीनल कॉर्पसल के साथ ही जो स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोलेट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये रिंग बना रहे हैं, कॉन्वोलेट हुए हुए हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं कॉन्वोलेटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये वाला रीजन होगा। एंड दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले, ये एक यू शेप ट्यूब बना रहा है, दिस होल यू शेप ट्यूब इज नोन एज लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और आखिरी का जो हिस्सा होता है, दिस इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो रीनल ट्यूब्यूलर पार्ट है, दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो कि रीनल कॉर्पसल के साथ का रीजन है, उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ये ट्यूब्यूलर पार्ट ही है। उसके बाद सेकंड पार्ट यू शेप ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। एंड आखिरी हिस्सा जो कि कलेक्टिंग डक्ट के साथ ही का जो आखिरी हिस्सा है, दिस इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जाके एक मेजर एक कलेक्टिंग एक ट्यूब के अंदर ओपन हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन लगा होगा, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन लगा होगा, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन लगा होगा, तो सारे नेफ्रॉन्स जाके ओपन हो जाते हैं किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और ये कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर बनाता है, दिस इज मेन कलेक्टिंग डक्ट जो जाके यूरेटर बनाता है। यूरेटर, ये सारे नेफ्रॉन्स जाके इसमें ओपन हो जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट जाके यूरेटर बनाएगा, यूरेटर से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ये मूव कर जाता है। These are various parts of nephron. And what is the major function of kidney? Kidney कैसे काम करता है? The major function of kidney is divided into three steps: pressure filtration, selective reabsorption, and tubular excretion. तो ये तीन major processes होते हैं। फर्स्ट में प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, एंड देन सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है, देन ट्यूबुलर एक्सक्रीशन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन कैसे होती है, इसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन में होता यह है कि जो ग्लोमेरुलस के अंदर अभी हमने देखा था कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद थे, तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में ऑब्वियसली क्या होगा कि ब्लड होगा। ये ब्लड क्या करेगा, हाई प्रेशर के साथ होगा इसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर ये हाई प्रेशर के साथ ब्लड आ जाता है। अब हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप टेप ओपन करते हैं, टेप के नीचे कोई बर्तन रख लेते हैं, तो अब आप अगर टेप को ओपन कर लें और फिर बर्तन के अंदर जो पानी भर जाएगा, तो उस दौरान वो ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, जिसके बाद फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ज़्यादा प्रेशर की वजह से वहाँ पे सेंड वगैरह जो है वो बर्तन के नीचे बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर फेनोमेना यहाँ पे ग्लोमेरुलस में भी होता है। ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर के साथ जब ब्लड आ जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ पे वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया जो है वो ब्लड में से निकल के बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं। बाउमेन्स कैप्सूल, ये आपने देखा था ना कि कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, कप शेप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, उसके अंदर ये चले जाएंगे वाटर, सॉल्ट्स, ब्लड के अंदर जो सॉल्ट्स हैं, ब्लड के अंदर जो एक्सेस वाटर है, ग्लूकोज, यूरिया, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान इन कैपिलरीज में से निकल के इस बाउमेन्स कैप्सूल के थ्रू इस ट्यूब में इंटर हो जाते हैं। एंड दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो मटीरियल यहाँ से फिल्टर होके बाउमेन्स कैप्सूल
के थ्रू जो है इस ट्यूब में इंटर हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, विच कंटेन्स सॉल्ट वाटर ग्लूकोज एंड यूरिया। आफ्टर दिस सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। हियर यू कैन सी दैट कि होल टिब्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसके सराउंडिंग में आपको कैपलरीज नजर आ रहे हैं। ये ब्लड वेसल है, ये वेन है, डिवाइड होके कैपलरी बना रहा है। ये आर्टरी है, आर्टरी भी डिवाइड होके आर्टियोल बनाएगा, आर्टियोल से कैपलरी बनाएगा। तो कैपलरीज ने सराउंड किया हुआ है इस पूरे होल नेफ्रोन को। तो जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस ट्यूब में से आगे की तरफ मूव करेगा, यहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं कि दैट विल बी रीएब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज विच आर सराउंडिंग द रीनल टिब्यूल। इस रीनल टिब्यूल को जिन्होंने कैपिलरीज ने सराउंड किया है उन कैपिलरीज में वापस चला जाएगा। कि अगर एक्स्ट्रा वाटर फिल्ट्रेशन के दौरान एक्स्ट्रा वाटर अगर इस रीनल टिब्यूल में आया है तो रीनल टिब्यूल में से वही वाटर दोबारा कैपलरीज में जाएगा, वही ग्लूकोज दोबारा कैपलरीज में जाएगा, वही वाटर दोबारा कैपलरीज में चला जाएगा। अब किस तरह से होता है? दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूलर पार्ट, ये डिस्टल टिब्यूलर पार्ट है। तो जो ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूलर पार्ट से गुजरेगा, उस दौरान कहते हैं कि ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है कैपिलरीज के अंदर। कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अगर एक्सेस ग्लूकोज चला गया था तो दैट विल रीअब्जॉर्ब इनटू कैपिलरीज, कैपिलरीज में वापस जाएगा। अब लूप ऑफ हेनले जो है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। जो नीचे की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये वाला पार्ट जो है दिस पार्ट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है इसमें वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूं अगेन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूलर पार्ट में ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाता है कैपिलरीज में वापस चला जाता है, और डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर दोबारा कैपिलरीज में चला जाता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चला गया था वाटर वो दोबारा रीअब्सॉर्ब होके कैपिलरीज में चला जाएगा। और एसेंडिंग वाले में क्या होता है? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सॉल्ट्स रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। वाटर जो रीअब्सॉर्ब होता है दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन डिफ्यूजन के थ्रू होती है। यहां पे हमने बात की कि ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाएगा कैपिलरीज के अंदर, और वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब होगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, जो कि ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, और यहां से ऊपर की तरफ अगेन सॉल्ट्स विल रीअब्सॉर्ब इन टू कैपलरीज। एंड और वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। इनको एटीपीज की नीड होती है सॉल्ट्स को कैपलरीज में डालने के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इनिशियली ग्लूकोज की जो रीअब्सॉर्प्शन होगी वो डिफ्यूजन के थ्रू होगी, और वाटर की जो रीअब्सॉर्प्शन होगी जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चला जाएगा उस दौरान वाटर रीअब्सॉर्ब होगा कैपिलरीज के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और यहाँ से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सॉल्ट्स रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आखिरी जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है वहां पे अगेन वाटर विल रीअब्सॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और उसमें से बकाया जो वे सब्सटेंसेस रह जाएंगे दैट विल मूव इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ये फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चले जाते हैं। एंड देन टिब्यूलर सिक्रीशंस। टिब्यूलर सिक्रीशंस में क्या होगा कि डिफरेंट आयंस केराटिन यूरिया वगैरह जो कि अगर स्टिल ब्लड में रहते हैं तो वो फिर वापस रीनल टिब्यूल के अंदर सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे, ताकि ये ब्लड के अंदर नॉर्मल पीएच को ये मेंटेन कर सके।
आई एम रिपीटिंग अगेन कि टिब्यूलर सिक्रीशन के दौरान क्या होता है कि डिफरेंट आयंस केराटिन और यूरिया जो है दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट, जो कि ये रीनल टिब्यूल है, इसके अंदर ब्लड में से अगर स्टिल ब्लड में कोई सॉल्ट रहता है, कोई यूरिया के मॉलिक्यूल्स अगर रहते हैं, तो वो फिर आखिरी जो स्टेप है उसमें ब्लड में से ये रीनल टिब्यूल के अंदर स्क्रीट हो जाएंगे ताकि ब्लड का जो पीएच है उसको ये नॉर्मल रख सके. एंड देन ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी. किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन कैसे करता है कि ये वाटर और सॉल्ट्स की जो कंसेंट्रेशन है हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर उसको भी ये रेगुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं. तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन बेहतर तरीके से करता है. ये बॉडी के अंदर फ्लूइड को बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर या हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन के बेसिस पे यूरिन बनाता है. कैसे कि अगर हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो किडनी डाइल्यूट यूरिन बनाएगा. डाइल्यूट यूरिन मतलब कि हाइपोटोनिक यूरिन की ये सिंथेसिस करता है, क्योंकि ये क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बाउमेंस कैप्सूल में डाल देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर एक्सेस वाटर है. तो एक्सेस वाटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये क्या करेगा, एक्सेस वाटर को बाउमेंस कैप्सूल के अंदर डालेगा या उसके साथ साथ फिर ये जो रीनल रीएब्जॉर्प्शन रीनल टिब्यूल में जो रीएब्जॉर्प्शन होती है तो वहाँ पे लेस वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कैपिलरीज के अंदर वाटर ज़्यादा है तो रीएब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है. एंड सिमिलरली अंडर लो वाटर कंडीशंस या फिर ब्लड के अंदर कम वाटर होता है या बॉडी फ्लूइड के अंदर अगर कम वाटर अवेलेबल होगा तो उस दौरान ये क्या करेगा, हाइपरटोनिक यूरिन की सिंथेसिस करेगा. कैसे ये हाइपरटोनिक यूरिन की सिंथेसिस करेगा कि ये कम से कम वाटर बॉमेंस कैप्सूल में डाल देगा ताकि जो है बाद में जो रीएब्जॉर्प्शन होती है तो रीएब्जॉर्प्शन के दौरान ये मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्ब करेगा कैपिलरीज के अंदर, ताकि ऑलरेडी ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर वाटर की कमी है तो ऊपर से जो है ये डाइल्यूट यूरिन बनाएं, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड के अंदर वाटर लेवल और ज़्यादा डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं. तो इसीलिए ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए ये डाइल्यूट या फिर कंसनट्रेटेड यूरिन की सिंथेसिस कर रहा होता है. इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है. बट दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल. ये हॉर्मोन्स के थ्रू ही होता है कि ये उसको कैसे पता चलेगा कि ब्लड के अंदर ज़्यादा वाटर है या कम वाटर है, वो हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं जिससे ये डाइल्यूट या फिर कंसनट्रेटेड यूरिन की सिंथेसिस करता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.